दोस्तों लाल दरवाजे में थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद फिर अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं अटल ब्रिज। सब लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा है अटल ब्रिज, सब तो चलिए आइए देखते हैं अंदर से कैसा है अटल ब्रिज और उसके ऊपर भी जाने का एक्सपीरियंस हमें मिल जाएगा। और अहमदाबाद में आए तो भाई ये चीज़ तो बनती है भाई, जितनी चीज़ें कवर कर सके उतनी चीज़ें तो देखनी बनती है। नीरज जो गाइड है मेरा, ये देखो आज अभी हम आए हैं अटल ब्रिज की तरफ। अक्षरधाम देखा, लाल दरवाजा देखा, अब हम देखेंगे अटल ब्रिज। ये वाला ब्रिज नहीं है, आगे अंदर से जो एंट्री है वहाँ से हम जाएंगे और ब्रिज पे जाएंगे। चलिए आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं अटल ब्रिज पे। फ्रेंड्स ये है अटल ब्रिज का एंट्री पॉइंट, रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क। वाह बहुत मस्त है यार, वाह वाह। एंट्री गेट पे ही इतना सुंदर सा डेकोरेशन किया है, आर्टिफिशियल पेड़ है। आइए अंदर चलते हैं, बाहर से तो इसका गेट बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ है। अंदर चलते हैं अटल ब्रिज, सामने आप देख पा रहे हैं वो अटल ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट है और चलते हैं वहाँ पे। दोस्तों ये है अटल ब्रिज का एंट्री पॉइंट, हम थोड़ी देर में चलते हैं अंदर और देखते हैं ये कैसा बना है और इसकी हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करेंगे अगर कुछ मेंशन किया हुआ रहेगा तो। नीरज ने एक बोतल पानी ले लिया है, दोस्तों धूप बहुत है और बहुत गर्मी है। अच्छा ये जस्ट ब्रिज पे एंटर करने से पहले ही यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, हारमोनी आइसक्रीम और होको एटरी। यहाँ पे आप सारी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी आपको, तो यहाँ पे आप लंच वगैरह कर सकते हैं। आइए हम यहाँ पे अटल ब्रिज का थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अटल ब्रिज गुजरात के अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी पर बनाया गया है। कहते हैं एक आधुनिक पुल है। इसका उद्घाटन 24 जुलाई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अच्छा अटल ब्रिज की सबसे बड़ी विशेषता इसकी डिजाइन है। यह पुल पतंगों से प्रेरित होकर बनाया गया है जो गुजरात की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुल के दोनों तरफ आपको पतंगों के आकार की विशाल मूर्तियां दिखाई देगी। इस ब्रिज की अगर साइज की हम बात करें तो ये लगभग 300 मीटर लंबा है और 10 से 14 मीटर चौड़ा है। अटल ब्रिज पर अगर आप आएंगे तो वहाँ पे घूमने के साथ साथ अटल ब्रिज पे आपको और बहुत सारी सुविधाएं भी मिल जाएंगी, जैसे कि बैठने के लिए वहाँ पे बेंचेस लगाए हुए हैं, आप वहाँ पे बैठ के आराम कर सकते हैं और खाने पीने के लिए भी कोई कमी नहीं है। ब्रिज के ऊपर ही आपके छोटे छोटे फूड के आउटलेट्स भी मिल जाएंगे। रात की लाइटनिंग में ये पुल बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अटल ब्रिज एक अद्भुत इंजीनियरिंग उपलब्धि है और ये गुजरात की संस्कृति और विरासत का एक प्रतीक बन गया है। यह पुल अहमदाबाद शहर के लिए एक गौरव की बात है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं अटल ब्रिज पे, लाल दरवाजे से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया है, यहाँ पे एंट्री टिकट 30 रुपीज़ का है और एक फ्लावर गार्डन भी है इसके बाजू में ही। अगर आप फ्लावर गार्डन भी करना चाहते हैं तो आपको 40 रुपीज़ देना पड़ेगा, नहीं तो आप 30 रुपये में अटल ब्रिज पे घूम सकते हैं। तो आइए अब हम चलेंगे अटल ब्रिज के ऊपर और अटल ब्रिज की सैर करेंगे और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। ये साबरमती रिवर के जस्ट ऊपर ही बना हुआ है तो बहुत ही प्यारा लग रहा है पीछे से। ये साबरमती रिवर जो आ रही है बहुत ही मस्त है, काफ़ी लंबी नदी है, काफ़ी चौड़ी है। और फिर इसके ऊपर चलते हैं और हम देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है अपना। फ्रेंड्स ये सामने देखिए, ये है अपना अटल ब्रिज का पूरा व्यू एकदम फ्रंट से, काफ़ी बढ़िया। और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ जो साबरमती रिवर है, काफ़ी चौड़ी नदी है। हमारा गाइड उड़ रहा है अटल ब्रिज पे। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, यहाँ का टाइमिंग जो है विजिट करने का टाइमिंग वो सुबह 9 से इवनिंग में 10 बजे तक है, और अगर आप जो टिकट लेते हैं अगर तो उसमें आप सिर्फ 1 घंटे तक ही इसके ऊपर रह सकेंगे। आपको 1 घंटे का टाइमिंग मिलता है, उसी बीच में आपको सब यहाँ पे देख के और फ़ोटो वगैरह आप यहाँ पे क्लिक करवा सकते हैं, काफ़ी अच्छे फ़ोटो वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे आइए, घूमिए और खूब ढेर सारी फ़ोटो क्लिक करवाइए, खूब मज़ा आएगा। काफ़ी भीड़ भी होती है यहाँ पे, आप जैसे कि देख सकते हैं। हाँ, ये अपने कपड़े कपड़े का है। हाँ, कपड़ा है, शायद कपड़े का है। कपड़ा नहीं, रेक्सिन टाइप है, रबड़ है, रबड़ है। हम लोग जैसे जैसे आगे तरफ जा रहे हैं वैसे उसका वेट बढ़ते ही जा रहा है, चौड़ा होता जा रहा है लगता है। यहाँ से रिवर का जो है बहुत ही मस्त है, पता नहीं। पूरे ब्रिज का सफर देख लेना पड़ेगा। कांच में से पूरा नीचे का नदी का व्यू दिखेगा आपको, पानी। वाह 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 वाह, दिमाग से बनाया है ना ये पूरा व्यू है कांच का। यहाँ पे फर्श लगा हुआ है लेकिन अंदर एंट्री नहीं है, काफी मस्त है। जैसे स्क्वायर में पूरा बना हुआ है और इसके ऊपर कांच का मैटिंग रखा हुआ है, और जो इससे नीचे एक एकदम पानी दिख रहा है नदी में का। यहाँ पे आप आए हो तो बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं, स्पीड बोट वगैरह भी चलती है, और एक देखिए बड़ी सी शिप खड़ी है वो भी चलती है। उसका टाइमिंग का तो पता नहीं है, बट यहाँ पे आएंगे तो हम पता कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं। इवनिंग के टाइम पे आई थिंक ये ज़्यादा चलती है, दोपहर के टाइम पे उतनी पब्लिक भी नहीं है तो ये बंद रहती होगी। इवनिंग के टाइम पे काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो सकती है। देखा तो ब्रिज से नीचे उतरने के लिए एक सीढ़ी है जहाँ पे आप सीधे नीचे एकदम नदी के किनारे पे पहुँच सकते हैं, और यहाँ पे मस्त बैठ के एकदम ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले सकते हैं। आप किनारे पे आएंगे और पानी को भी टच कर सकेंगे, इतना नज़दीक पानी आता है, लेकिन यहाँ नीचे अलाउड नहीं है, सब रेलिंग यहाँ पे लगी हुई है तो आप नीचे नहीं जा सकते, दूर से ही आपको सिर्फ व्यू देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ से चलते हैं और इसके बाद सीधा जाएंगे काकरिया लेक, और वहाँ भी देखते हैं क्या क्या है। ये भी अपना मेरा भी फर्स्ट विजिट है, देखेंगे कि क्या क्या वहाँ पे है घूमने फिरने की चीज़ें, और बोटिंग भी शायद वहाँ पे होती है तो देखते हैं, अगर हमें मौका मिले तो हम बोटिंग भी करेंगे, और तो हम वहाँ चल के ही दिखाते हैं। और अब यहाँ से निकलते हैं, सीधे मिलते हैं आपसे काकरिया लेक पे।